हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमृता। मेरे चैनल अमृता कुकिंग की रेसिपी पर आपका स्वागत है। आज बनाने जा रही हूं राखी पे सल मिठाई काजू कतली। काजू कतली बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक देखिए। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे काजू 1 कप ली हूँ। काजू जितना लेंगे उसी हिसाब से हाफ क्वांटिटी में चीनी लेंगे, और जितना चीनी लेंगे उसे थोड़ा घी कम पानी लेंगे, ज़्यादा पानी कम नहीं लेंगे। मिल्क पाउडर 2 चम्मच ले रही हूँ, ये ऑप्शनल है। मिल्क पाउडर डालने से और भी टेस्ट अच्छा आएगा काजू कतली में। काजू को पीसने से पहले फ्रीजर में 15 मिनट ले रख दिया था, नहीं तो काजू पीसने से गर्म हो जाएगा और ऑयल रिलीज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर काजू को रुक रुक कर पीस रही हूँ, क्योंकि लगातार पीसने से काजू को काजू का पाउडर नहीं बनेगा, आपका काजू पेस्ट बन जाएगा। इस काजू पाउडर को हम छन्नी में छान ले रहे। बाकी बचे काजू पाउडर को फिर से मिक्सर जार में पीस लेंगे। यहाँ पे मिल्क पाउडर डालकर एक ही साथ पीस लेंगे। 2-3 इलायची डाल दूंगी ताकि काजू कतली में इलायची का फ्लेवर आ जाए। पाउडर बनाने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें। आप काजू के पाउडर ले रही हूँ तो काजू का पाउडर क्वांटिटी देखा देती हूँ। ये हो गया 1 कप, 1/3 कप काजू पाउडर हो गया। उसी हिसाब से चीनी लेंगे। 1/2 कप चीनी ले रही हूँ। आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मगर चीनी की क्वांटिटी कम लेंगे तो काजू कतली अच्छे से सेट नहीं होगा। एक पैन गैस के ऊपर चढ़ा दे, चीनी डाल देंगे और पानी डाल दे। लो फ्लेम पे चीनी को बस मिलाना है, यहाँ पे शुगर सिरप नहीं बनाना है। अच्छे से चीनी मिक्स होने के बाद काजू पाउडर को धीरे धीरे करके मिलाते जाएंगे। यहाँ पे गैस फ्लेम को लो करके रखी हूँ। स्मूथ पेस्ट बन गया है, लगातार चलाते रहेंगे चम्मच को। चेक कर लेते हैं, एक बटन में थोड़ा निकल दे, हाथों को गीला करके देखे बॉल बन रहा है कि नहीं। सॉफ्ट बॉल बन रहा है और चिपचिपा लग रहा है, तो आप इस तरह बनाएंगे तो देखिए रिजल्ट क्या होगा। काजू कतली पेस्ट को मैंने यहाँ पे फैला दिया है, 2 घंटे हो गए, सेट नहीं हो रहे, या आप काट कर सकते हैं, इसलिए और थोड़ी देर कुक करेंगे। इस तरह देखिए बॉल बनना चाहिए और आपको पता चल जाएगा, हाथों में स्मूथ बॉल बन जाएगा। इमीडिएट गैस फ्लेम को बंद कर दीजिए और कुक करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा देखिए। ये काजू कतली कट हो गया है, मगर सेट होने के बाद ड्राई और हार्ड बन गया है। ये रहा मक्के जैसा सॉफ्ट काजू कतली। 10 दिन के बाद आपका काजू कतली उतना ही सॉफ्ट रहेगा। हाथों में बॉल बन जाए तो मिक्सर को गैस से उतार देंगे और 1 चम्मच घी डाल दें। इस पैन को 1 से 2 मिनट के बाद पैन को छोड़ने लगेगा। आप नॉनस्टिक पैन में करेंगे तो बहुत ही आसान होगा काजू कतली बनाने के लिए। हाथों में घी ग्रीस कर ले, और आप जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरह हाथों में मसल दें। सब डो बन के तैयार है। हमारा डो अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा गर्म है, जैसे कि हाथों में छू सके। पूरा ठंडा हो गया तो
सेट होना शुरू हो जाएगा। एक बटर पेपर को ऑयल या घी ग्रीस कर ले, डो को फैला दे। देखिए यहाँ पे स्मूथ डो तैयार है। ऊपर एक बटर पेपर लगाकर बेल दे। काजू कतली को सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ दे। आपके पास चांदी के बर्तन हो तो उसे लगा दीजिए। चाकू से कट कर लेते हैं। आप स्केल यूज करके डायगोनल साइज में कट कर सकते हैं। आप घर पे बनाएंगे तो काजू कतली बहुत ही कम रेट में आपका काजू कतली बन जाएगा। काजू कतली को बनाकर 1 महीना रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए काजू कतली बहुत ही स्मूथ और परफेक्ट टेस्टर आया है। काजू कतली बनाते टाइम शुगर सिरप और आपका कुकिंग टाइम अच्छे से करेंगे तो आपका काजू कतली बहुत ही अच्छा बनेगा। तो मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए।